हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो मैं हूँ यहाँ पे एलिफेंटा बीच अंडमान एंड निकोबार में, जो इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल बीच है वो अंडमान एंड निकोबार में है और वर्ल्ड का नंबर 7 पे है। तो मैं सोचा कि यार एनिवर्सरी के लिए कहाँ पे टाइम स्पेंड किया जाए। पहले मैंने सोचा कि चलो मालदीव चलते हैं, वहाँ पे ब्लू वाटर है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है वहाँ पे करने को और सभी जाते हैं। बट जब मैंने एक्सप्लोर किया अंडमान को और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी वहाँ पे, तो मुझे समझ आया कि यार मैं मालदीव क्यों जाऊँ, जब इंडिया में ही अपने कंट्री में इतनी सारी चीज़ें हैं और ब्यूटीफुल बीच है, इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल बीच और वर्ल्ड का नंबर 7 अंडमान है, तो क्यों ना अंडमान चला जाए। तो विस्तारा की टिकट मैंने बुक की, जो मेरी फेवरेट एयरलाइंस है। सो दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, बट दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता में हॉल्ट है मनार का और उसके बाद डायरेक्ट फ्लाइट है अंडमान के लिए, जो कि पोर्ट ब्लेयर इसका एयरपोर्ट है। मॉर्निंग 6 बजे की फ्लाइट थी और हम यहाँ पे पहुँचे थे करीबन 11 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे अंडमान में। फिर वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है और जो यहाँ पे टैक्सी फेयर ही वेरी चीप, बहुत ही सस्ता है यहाँ पे। तो हमने 150 रुपीज़ में एयरपोर्ट से होटल गए और उसके बाद फिर हमने चेक इन किया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर हमने सेम डे की, और जिसमें मैंने सोने के चक्कर में मैंने नींद इतनी आ रही थी कि मैंने एक उस दिन का एक्टिविटी नहीं प्लान किया। तो अभी सारा डिटेल्स मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कैसे है, क्या है इसमें। सो सबसे पहले आते हैं कि आपको अंडमान और निकोबार कैसे जाना है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्टली आप फ्लाइट लेकर जा सकते हो, दूसरा ऑप्शन जो है वो शिप का है। तो फ्लाइट की बात करें तो ऑल इंडिया से इसकी फ़्लाइट चलती है, बट डायरेक्ट फ्लाइट आपको सर्विस जो है कोलकाता से सिर्फ मिलेगी आपको। और अगर दिल्ली से आप फ्लाइट लेते हो तो दिल्ली से कोलकाता, देन कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर है। हमने भी वैसे ही किया था, हमने विस्तारा की फ़्लाइट टिकट बुक की थी जो आपकी दिल्ली से कोलकाता, और कोलकाता में 1 आवर का हॉल्ट था, सेम फ्लाइट थी, हमें फ़्लाइट चेंज नहीं करनी थी और कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर डायरेक्ट। सो हमने मॉर्निंग 6:30 की फ़्लाइट ली और हम 11 बजे पहुँच गए थे पोर्ट ब्लेयर। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अंडमान में है वो बहुत ही अच्छा नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर जो बेस्ट है वो ऑप्शन है स्कूटी का, आप स्कूटी रेंट कर सकते हो। अगर आप सोलो जा रहे हो या फिर आप कपल जा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप वहाँ पे स्कूटी रेंट करें और पूरा दिन एक्सप्लोर करें। स्कूटी का जो चार्ज है वहाँ पे 500 रुपीज़ पर डे का है और इस डे में जो काउंट होता है वो 24 आवर्स काउंट होता है। दूसरा ये कि आपको डिपॉजिट 2000 करना है, बट जो वन डे का चार्ज है 500 रुपीज़ वो आपका सिर्फ चार्ज होगा, और जो नेक्स्ट डे जब आप वापस करोगे तो आपको 1500 कैश वापस कर देंगे। मेजरली वहाँ पे जी पे चलता है, गूगल पे चलता है, तो कैश के जगह पे वो गूगल पे ही आपको करेंगे वो। अब आते हैं कि आप जब पोर्ट ब्लेयर पहुँच गए तो पोर्ट ब्लेयर में घूमने के लिए मेन जगह कहाँ पे है। तो अगर मैं 3 नाइट्स 4 डेज की बात करूँ, तो जिस दिन आप पोर्ट ब्लेयर पहुँचते हैं तो सबसे पहले तो आप उस दिन जो है, आप सपोज़ करके चलो कि आप फर्स्ट हाफ में पहुँच गए, 12-1 बजे आपने होटल चेकिंग कर लिया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वहाँ पे जो सेलुलर जेल है, जिसको हम बचपन में पढ़े हैं काले पानी की सज़ा जो अंग्रेज देते थे, 300 वाली टिकट हमने ले ली है जो लाइट एंड साउंड वाला है, 730 वाला, उस लास्ट टाइम है, उससे पहले वाला सारा ख़त्म हो गया था। तो ये तो एंट्री है, पहले टिकट लेनी होगी। अब 30 रुपीज़ का टिकट लेंगे जो अभी आप पूरा अंदर जा सकते हो और देख सकते हो आराम से 1.5 घंटे घूम। वहाँ पर दो चीज़ें देखने को है, दिन में आप सेलुलर जेल घूम सकते हैं जो कि आपको जेल का एक्चुअल वहाँ पे फील लेना है, वहाँ पे कैसे थे, कैसे कैदी वहाँ पे रहते थे, कितने छोटे छोटे जगह में रहते थे, वो सारा कुछ आपको दिन में देखने को मिलेगा। तो जैसे आपने दिन में सेलुलर जेल घूम लिया आप, और वहाँ से आप जा सकते हो, वहाँ पे एक बीच है, बीच का जो नाम है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप उस बीच को एक्सप्लोर कर सकते हो, छोटा सा बीच है, वहाँ पे नारियल पानी पी सकते हो, थोड़ा बहुत स्नैक्स खा सकते हो। अब बात करते हैं क्रूज़ सर्विस की, बिकॉज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको क्रूज़ लेना है हैवलॉक के लिए। तो क्रूज़ के लिए मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, दो वहाँ पे क्रूज़ सर्विस है, दो कंपनी है, एक है मैक्रूज़, दूसरा है नॉटिका। अगर आप नॉटिका की सर्विस लेते हो, मॉर्निंग में 6:30 की क्रूज़ है, मॉर्निंग में 6:30 की क्रूज़ है, तो जो फेयर है 1800 जो स्टैंडर्ड फेयर है वो आपको सिर्फ लगेगा 900 रुपीज़ में, 50% कम पे मिलेगा अगर आप 6:30 का आप क्रूज़ लेते हो नॉटिका का। बट वही अगर आप 8 बजे की लेते हो तो आपको 1800 रुपये पड़ेंगे। तो क्रूज़ में वहाँ पे आपको 1 घंटा पहले जाना है, चेकिंग होगी वहाँ पे, आपको एक स्लिप देगा वहाँ पे कि आपका ये सीट नंबर है, ये सारा कुछ, आप वहाँ पे जाइए, 2 से 2.5 घंटे का क्रूज़ होता है और हैवलॉक पहुँच जाओगे आप। तो हमारे 6:30 की क्रूज़ थी, हम पहुँच गए थे वहाँ पे 8:30 और 9 के बीच में पहुँच गए वहाँ पे। वहाँ से जब आप निकलते हो
तो वहाँ पे निकलने के टाइम ही वहाँ पे 2-3 शॉप्स है जहाँ पे आपको स्कूबा डाइविंग के लिए ले जाया जाता है। तो मैं उसका नंबर भी देता हूँ और कंपनी का नाम भी देता हूँ जहाँ से मैंने खुद किया था। आप देख सकते हो कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है वहाँ पे जहाँ पे मैंने स्कूबा डाइविंग की थी। हमने नारियल पानी वहीं पे पिया, वहाँ पे मस्त नारियल पानी, बड़ा सा नारियल पानी था और हार्डली 40 रुपीज़ का था वो। फिर हमने स्कूटी लेकर चले गए हम सीधा अपने होटल जहाँ पे हमने लिया था, राधानगर बीच, जो वर्ल्ड का नंबर 7 और एशिया का नंबर 1 बीच है वो राधानगर बीच है। वहीं पे हमने 400 मीटर्स पहले, बीच से 400 मीटर्स पहले हमने ये होटल ली हुई थी और वहीं पे हमने चेकिंग किया। हैवलॉक में जो सबसे मेन है वो है आपका राधानगर बीच, जो कि मैंने बताया एशिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का नंबर 7 बीच है। बहुत ही बड़ा बीच है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही क्लीन है, क्लीन वाटर है, ब्लू वाटर। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप फूड एक्सप्लोर कर सकते हो, सी फूड भी एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी टाइमिंग है, हर हाफ एन आवर में वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ फोटोग्राफ्स में दिखा रहा हूँ कि क्या टाइमिंग है, आप कैसे जा सकते हो वहाँ पे। सेकेंड डे का आपको प्लान बता रहा हूँ मैं। तो उसका राधानगर बीच में आपने सारा कुछ एक्सप्लोर किया बिकॉज आपने स्कूबा डाइविंग भी कर ली। उसी दिन सेकेंड डे पे ही आपको नेक्स्ट डे की आपको क्रूज़ बुक करनी है वापस पोर्ट ब्लेयर की, बिकॉज आपका ट्रिप 3 नाइट्स का प्लान है। तो आपने उसे टाइम बुक किया और आपने सेम मैक क्रूज़ या फिर नॉटिकल से आपने चेक किया फेयर। वापसी का आपको 1800 रुपये ही मिनिमम पे करना पड़ेगा बिकॉज मॉर्निंग की कोई वहाँ पे क्रूज़ नहीं है जो आपको 800 या 900 रुपये में दे। तो यहाँ पे आपको वाईफाई की सर्विस नहीं मिलेगी बिकॉज़ यहाँ पे वाईफाई काम नहीं करता। आपके फ़ोन में सिग्नल आएगा बट वो कनेक्ट नहीं होगा, तो आप वाईफाई पर डिपेंड नहीं रहना। सेकेंड, यहाँ पे कौन सा सिम कौन सा नेटवर्क काम करेगा यहाँ पे, तो अगर आपके पास एयरटेल है तो एयरटेल एक लेवल तक काम करेगा जो कि आप कॉलिंग के लिए भी कर सकते हो और इंटरनेट यूज़ भी कर सकते हो, बट वो स्पीड नहीं मिलेगा जो इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में मिलते हैं। अगर आपके पास वोडाफोन है तो वोडाफोन है तो कॉलिंग कर सकते हो आप, बट इंटरनेट डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, थोड़ा बहुत ही मतलब थोड़ा क्या मतलब ऑलमोस्ट नील चलता है यहाँ पे, वोडाफोन काम सही से नहीं करता है। थर्ड जो है बीएसएनएल यहाँ पे सबसे अच्छा चलता है, कॉलिंग भी अच्छी होती है और मोबाइल जो नेटवर्क है इंटरनेट है वो भी अच्छी चलती है, बट बीएसएनएल बहुत कम ही लोगों के पास होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एयरटेल का सिम आप लेकर चलें। तो गाइज़, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग अब वर्ल्ड की जगह पे दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने से पहले आप अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करेंगे जो कि इतना अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें घूमने को है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इंडिया घूमें और अंडमान एंड निकोबार तो अपने बकेट लिस्ट में सबसे पहले डालें और यहाँ पर ज़रूर एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक्स।